गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज लेसन नंबर 21. अ फनी थिंग हैपेंड. एक मजेदार चीज देखिए इनके साथ क्या हुई. लेसन नंबर 21 है अ फनी थिंग हैपेंड. ओके सो लेट्स स्टडी आर लेसन नंबर 21. ओके इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. ये बहुत ही सुहावनी मतलब सुबह सुबह थी. बहुत अच्छी मॉर्निंग थी. डॉली वॉज गोइंग टू स्कूल. डॉली अपने स्कूल जा रही थी. हर फ्रेंड टीना वॉज नॉट विथ हर. उसकी फ्रेंड जो टीना है वो उसके साथ नहीं थी. टीनाज मदर हैड सेड दैट टीना वॉज इल. क्योंकि टीना की माँ ने कहा था कि टीना आज बीमार है, इसीलिए डॉली जो है वो आज स्कूल अकेले जा रही थी. डॉली एंड टीना वर क्लासमेट. डॉली और टीना जो थे दोनों ही क्लासमेट्स थे. दे ऑलवेज वेंट टू स्कूल टुगेदर. दोनों ही साथ में स्कूल जाया करते थे. डॉली और टीना दोनों ही क्लासमेट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसीलिए वो साथ में स्कूल जाया करते थे. इट वॉज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डॉली वॉज गोइंग अलोन. ये पहली बार था जब डॉली स्कूल अकेले जा रही थी, वरना डॉली हमेशा अपने फ्रेंड टीना के साथ स्कूल जाया करती थी. शी वॉज थिंकिंग अबाउट टीना. डॉली जो थी वो रास्ते भर टीना के बारे में सोचते हुए जा रही थी. जैसे आपका ही कोई फ्रेंड होगा, आप उसके साथ डेली आते होंगे, अगर वो एक दिन नहीं आएगा तो रास्ते भर आप सोचेंगे काश वो भी आता, कितना मज़ा आता, आज तो मैं क्लास में बोर हो जाऊंगा, है ना, ऐसा हम सोचते हैं. इसलिए मेरे साथ भी ऐसा होता है. मैं भी मेरी जब कोई फ्रेंड नहीं आती तो मैं भी सोचती हूँ अरे वो नहीं आई तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, इस तरीके से. आई शेल गो टू हर हाउस आफ्टर स्कूल. मैं स्कूल से जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा, स्कूल ख़त्म करने के बाद मैं उसके घर जाऊँगी, ऐसा डॉली अपने आप से कह रही थी. सडनली डॉली स्टॉप्ड ऑन द रोड. अचानक से डॉली रोड पर रुकती है. शी थॉट शी हैड हर्ड अ वॉइस. अचानक से डॉली रोड पर रुकी और उसको ऐसा लगा कि कुछ उसको वॉइस आवाज़ आ रही है. हर्ड मीन्स सुनी, उसने कुछ आवाज़ सुनी. शी लुक्ड ऑल अराउंड. वो अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे देखने लगी, उसे लगा कुछ तो आवाज़ आई. द वॉइस सीम टू कम फ्रॉम द पिलर बॉक्स. जो आवाज़ थी वो पिलर बॉक्स के पीछे से आ रही थी. ओके नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर. डॉलीज मदर हैड ऑफन सेड टू हर. मतलब डॉली की माँ ने हमेशा डॉली को ये बात सिखाई थी कि कभी भी स्ट्रेंजर से बात मत कीजिए. स्ट्रेंजर मीन्स होता है जिन्हें आप नहीं जानते हैं उन्हें स्ट्रेंजर कहते हैं. स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी. स्ट्रेंजर मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी. ओके तो डॉली की माँ ने डॉली को हमेशा ये बात कही थी कि कभी भी स्ट्रेंजर से अजनबियों से बात नहीं करनी है, ठीक है ना. एंड अ टॉकिंग पिलर बॉक्स वॉज सर्टेनली अ स्ट्रेंज थिंग. और वो पिलर बॉक्स बात कर रहा था तो डॉली को लग रहा था कि यार ये नॉन लिविंग थिंग है, ये पिलर बॉक्स कैसे बात कर रहा है. चलिए टर्न कीजिए पेज नंबर 104 पर आइए. हेल्प आई एम ट्रैप्ड. वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि मुझे हेल्प करो, मैं फंस गया हूँ. कॉल्ड अ टाइनी स्क्वीकी वॉइस. धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी कि मुझे हेल्प करो, मैं इसमें फंस गया हूँ. डॉली वॉज श्योर द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम इन साइड द पिलर बॉक्स. डॉली एकदम श्योर थी कि जो आवाज़ थी वो पिलर बॉक्स से ही आ रही थी. ऑल अराउंड हर देयर वर लॉट्स ऑफ चिल्ड्रेन वॉकिंग एंड रनिंग टू स्कूल. उसके मतलब डॉली की चारों तरफ जब उसने देखा तो सारे बच्चे जो थे वो दौड़कर स्कूल की तरफ जा रहे थे. देयर वर ऑल्सो मैनी फादर्स एंड मदर्स लीडिंग देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल. वहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स भी थे जो कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे. डॉली न्यू शी शुडंट टॉक टू स्ट्रेंजर. डॉली को ये पता था कि उसे अजनबी लोग से स्ट्रेंजर लोगों से बात नहीं करनी चाहिए. बट शी ऑल्सो न्यू दैट अ पिलर बॉक्स कुड डू हर नो हार्म. मगर वो ये भी जानती थी कि पिलर बॉक्स उसे कोई चोट नहीं पहुँचा सकता है. सो शी वेंट वेरी क्लोज. इसीलिए वो बहुत पिलर बॉक्स के बहुत पास में जाकर खड़ी हो गई. एंड पुट हर ईयर और अपने कान को उस पिलर बॉक्स के पास जहाँ से लेटर अंदर डाला जाता था, तो वहाँ पे जाके अपने कान को ऐसे पास में कर देती. एंड श्योर इनफ शी हर्ड. और उसको ये पता था कि मैं कान अपने ऐसे करूँगी तो मुझे दोबारा से वो आवाज़ सुनाई देगी. प्लीज़ हेल्प मी आई कांट गेट आउट. हु आर यू. डॉली ने बोला मतलब डॉली को वो आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ. तो डॉली ने पूछा कि तुम कौन हो. यू मस्ट बी वेरी स्मॉल. तुम बहुत छोटे होगे, तभी तो तुम इस पिलर बॉक्स के अंदर चले गए हो, तो तुम कौन हो. तो फिर वो बोलता है हेल्प आई एम ट्रैप. मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ. कॉल द वॉइस अगेन अगेन. यही आवाज़ आई कि मेरी हेल्प करो, मैं इसमें फंस गया हूँ. तो फिर वो बोलती है येस आई नो. हाँ मैं जानती हूँ तुम इसमें फंस गए हो, लेकिन तुम हो कौन.
देयर वॉज अ पॉज, तो थोड़ी देर के लिए आवाज़ आना बंद हो गई. देन द वॉइस सेड अगेन, फिर से वॉइस अंदर से आवाज़ आई, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प करो मुझे, आई कांट गेट आउट, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ. डॉली वॉज अ लिटिल एंग्री, डॉली को अब थोड़ा गुस्सा आ गया था क्योंकि बार बार यही आवाज़ आ रही थी कि मेरी हेल्प करो मैं फंस गया हूँ, मेरी हेल्प करो मैं फंस गया हूँ. मगर जब डॉली उससे पूछती थी कि तुम कौन हो तो वो कुछ बोलते ही नहीं था. इट डिडंट से हु और वॉट इट वॉज, वो बताता ही नहीं था कि वो कौन है और क्या है ना. लुक सेड डॉली, डॉली ने कहा देखो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने जा रही. इफ़ यू डोंट टेल मी, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगी. पेज नंबर 105 पे आइए. डॉली वेटेड फॉर द पर्सन इनसाइड टू आंसर, डॉली जो थी वो वेट कर रही थी कि जो अंदर से कुछ आवाज़ आए कि हाँ मैं कौन हूँ क्या हूँ. बट द वॉइस ओनली सेड, लेकिन अंदर से केवल क्या आवाज़ आ रही थी, हेल्प आई एम ट्रैप्ड, मेरी मदद करो मैं फंस गया हूँ. राइट आई एम गोइंग सेड डॉली एंग्री, डॉली ने गुस्से से कहा ठीक है तुम मुझे मत बताओ मैं यहाँ से जा रही हूँ. डॉली टर्न टू गो बट देन शी स्टॉप, डॉली वहाँ से जाने लगी स्कूल की तरफ मगर फिर वो रुक गई. शी सॉ दैट अ क्राउड ऑफ चिल्ड्रेन हैड गैदर्ड देयर, उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बच्चों का भीड़ वहाँ पे इकट्ठा थी. दे वर ऑल लुकिंग एट हर, हर सारे बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे. सडनली हर फ्रेंड टीना स्टेप्ड आउट फ्रॉम द क्राउड, फिर वो टीना वहाँ से आगे बढ़ गई. आई थॉट यू वर इल टीना सेड डॉली, डॉली ने कहा कि टीना तुम तो बीमार थी ना, मुझे तो तुम्हारी मम्मा ने कहा कि तुम बीमार हो. तो वो कहती है आई एम फाइन सेड टीना स्माइलिंग, टीना हंसते हुए कहती है मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. बट यू डोंट लुक वेरी वेल, मगर तुम तो अच्छी नहीं दिख रही हो. आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो. आई जस्ट सॉ यू टॉकिंग टू द पिलर बॉक्स, मैंने तो तुम्हें पिलर बॉक्स से बात करते हुए देखा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर डॉली तुम मुझे परेशान लग रही हो, तुम पिलर बॉक्स से बात कर रही हो. एवरी वन बेगन टू लाफ, हर कोई डॉली के ऊपर हंस रहा था क्योंकि वो पिलर बॉक्स के पास बात कर रही थी. पेज नंबर 106 पे आइए. बट देयर सम वन ट्रैप्ड इन देयर, वो बताती कि इस पिलर के अंदर कोई फंसा हुआ है. पिलर बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए वो कहती है व्हाट डे इज इट डॉली, तो टीना उससे पूछती है डॉली आज कौन सा दिन है. तो डॉली बोलती है फ्राइडे. एंड व्हाट इज द डेट, तो आज डेट कौन सी है. तो वो कहती है द फर्स्ट ऑफ अप्रैल. एंड व्हाट्स स्पेशल अबाउट अप्रैल द फर्स्ट, तो फिर टीना पूछती है कि टीना डॉली से पूछती है तो फिर फर्स्ट अप्रैल को क्या स्पेशल होता है. डॉली एकदम से शर्मा गई और कहती है टीना वॉक टूवर्ड्स द पिलर बॉक्स, टीना पिलर बॉक्स के पास गई. शी वॉज स्माइलिंग, कैन यू गेस वॉट देयर वॉज, क्या तुम गेस कर सकते हो वहाँ पे क्या था. वो सारे बच्चे ही आपस में शैतानी कर रहे थे. ओके फॉर टुडे थैंक यू सो मच, क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप पे ही मिलेंगे. ओके तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ओनली एक चैप्टर आपका बचा हुआ है ठीक है ना. इस तरीके से आपका भी कोर्स एक दो दिन में फिनिश हो जाएगा. ओके थैंक यू सो मच.